इस समय मैं हूँ फरती गांव में विजयपाल सिंह मनवाल जी के घर पर। विजयपाल जी खेतीबाड़ी करते हैं, पशुपालन करते हैं, आप बकरियां पालते हैं, और जिस जगह पर मैं हूँ वो भोगपुर से लगभग लगभग कम से कम 8-9 किलोमीटर होगा भोगपुर से। और यहाँ पर मुझे बहन जी रेखा देवी जी ने मुझे इस समय चावल दाल, अरहर की दाल है और इसमें घी तैर रहा है, घी, खूब घी है इसमें, और दही उन्होंने मुझे खिलाया है, और बहुत प्यार से आप लोग मुझे खाना खिला रहे हैं, आपका बहुत धन्यवाद। और मुझे अच्छा लगा फरती गांव में, और मैं फरती गांव में विजयपाल जी की जो कहानी है, उनके जो पुरुषार्थ की जो कहानी है, उसको आपको साझा करूंगा आपके साथ, धन्यवाद। देहरादून से लगभग 30 किलोमीटर दूर पहाड़ पर एक गाँव है जिसका नाम फरती है। पहले यहाँ 15 परिवार रहते थे, इन दिनों इनकी संख्या 7-8 पर सिमट गई। सड़क बरसों से खराब है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए लोग यहाँ से देहरादून, रानी पोखरी या भोगपुर में आकर रहने लगे हैं। फरती गांव के 50 वर्षीय विजयपाल सिंह मनवाल भी लगभग 9 साल पहले रानी पोखरी में रह रहे थे। विजयपाल बच्चों की पढ़ाई के लिए रानी पोखरी गए थे और होमगार्ड में सेवाएँ देने लगे। वापस लौटकर उजाड़ हो गई खेतीबाड़ी और पुश्तैनी मकान को संवारा। 6 साल पहले ही 6 बकरियों से शुरू बकरी पालन आज 65 बकरियों पर पहुंच गया। बताते हैं एक समय में 100 से अधिक बकरियां थीं। हर 6 माह में बकरियों की टोलियां बेचते हैं तो औसतन 20 से 25 हज़ार रुपये की आय हो जाती है। आइए हम आपको मिलवाते हैं विजयपाल सिंह मनवाल से। नमस्कार, मेरा नाम राजेश पांडे है और आज मैं पहुंचा हूं फरती गांव में, जहां मैं मुलाकात कर रहा हूं श्री विजयपाल सिंह मनवाल जी से। मनवाल जी की एक कहानी है और वो ये कहानी है, जिस जो मनवाल जी की कहानी को सुनेगा वो अपने गांव की तरफ दौड़ेगा और वो अपने गांव को हरा भरा कर देगा और रोज़गार की दृष्टि से भी वो बहुत बड़ा काम करेगा। मनवाल जी से मेरी बात हुई है और जो फरती गाँव है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फरती गाँव भोगपुर से लगभग 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और जो रास्ता है सनगांव पुल से, जो रास्ता है वो इतना ख़राब रास्ता है कि उस पर पैदल चलना भी मुश्किल है और गाड़ी चलाना भी मुश्किल है। अब कम से कम 7-8 साल के बाद यहाँ लौट के आए हैं, 7-8 साल के बाद यहाँ आए हैं। पूरा झाड़ झंकार हो गया था, कोई खेती बाड़ी सब बंजर छोड़ दिया था लोगों ने। हमारे घर में भी यहाँ से सब भाई लोग इधर उधर चले गए थे, बच्चों को कोई पढ़ाने के लिए गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया। तो मैंने सोचा, मैंने कहा जो है गांव में हमारी खेती भी बर्बाद हो रही है, मकान भी बना हुआ है वो भी बर्बाद हो रहा है, तो क्यों ना हम जो है ये उस समय 3500 रुपये होमगार्ड की नौकरी करता था मैं, मैंने कहा 3500 की नौकरी में कुछ नहीं हो रहा है, क्यों ना हम अपने बकरी पालन अपने गांव में जाके करें। तो इसलिए हम जो है गाँव की तरफ लौटे हैं वापस। हमारे पास इस समय साहब, मैंने शुरुआत में जो है 5-6 बकरी लेके मैंने शुरुआत की थी। धीरे धीरे बढ़ता 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 मैं एक बार मैं 100 पार कर गया था, फिर मैंने उसमें से कुछ बिक्री कर दिया, फिर इस समय 60-65 इस समय है। लगभग ये समझ लो आपकी ये बिक्री का महीने का तो निकलता नहीं है ऐसा, लेकिन टोटल अगर आप निकालें कि 6 महीने में हमारा जैसे टोली तैयार हो जाती है तो 6 महीने में निकालते हैं, तो उसका मार्जिन अगर निकाल लो तो आपको जो है 20 से 25 हज़ार रुपये महीने का, अगर 50-60 बकरी आपके पास हैं तो निकल जाता है। मैं 7-8 साल बाहर रहा, 7-8 साल के बाद मुझे 9-10 साल फिर आए हुए यहाँ पर हो गई। हमने ये सोचा जी कि अपने गांव की मातृभूमि मातृभूमि है, नीचे जो है प्लेन में नाम ही नाम है प्लेन का, बाद की वहाँ समस्याएं ज़्यादा हैं। अब यह समझ लो कि अब वहाँ पे जो है हर चीज़ मोल का है, हर चीज़ पन्नी पे ला के खाएँगे। यहाँ पे जो है हम सिर्फ एक नमक मोल लेने जाना पड़ता है हम लोगों को, नहीं तो हम यहाँ पे जो है अपनी घर की सब्जी होती है, गोबर की उस खाद की सब्जी है, फर्स्ट क्लास, कोई बीमारी नहीं है। नीचे तो आप लगा लो कि सारी बीमारियाँ ही। चुनौतियाँ बहुत कुछ आती हैं। अब जैसे अब बकरी पालन हमने किया हुआ है, अब जंगल में खोल दिए, कोई बकरा वगैरह मार देता है बकरी को, वो भी नुकसान हो जाता है। बहुत सी कोई ढांग में गिर जाती है, कोई बीमारी से मर जाती है, तो नुकसान भी होता है उसमें। बाघ का बाघ खा जाता है तो डेली घूमता है। अब मेरे पास जो है बकरियों के साथ में मैंने 8 कुत्ते रखे हुए थे, 8 कुत्तों में से 8 के 8 खा दिए सब। बाघ बहुत नुकसान करता है, बहुत ज़्यादा। पशु का इलाज साहब, हम जो है घर में, घर का जो अपना घर का इलाज होता है, घर में सबसे पहले जिसको बकरी पालन अगर करना हो तो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखें, एक तो उसके पास हींग का होना बहुत अनिवार्य है, एक मेथी का होना बहुत अनिवार्य है, और जी उसमें जो है एक बत्तीसा होना बहुत अनिवार्य है, एक काली जीरी होना बहुत अनिवार्य है। ये चीज़ें दवाई, हर चीज़ की दवाई के काम आती हैं, और हम लोग जो है वैसे डॉक्टर की सलाह से देसी दवाई अभी हम रखते हैं, जैसे इंजेक्शन वगैरह हो जाते हैं कुछ का दर्द का है, तो उसने जो है हमने सीसी पे उसको लिख रखा है
कि इसमें ये इसको इंजेक्शन इतने ml इसको इस बीमारी पे देना है, अगर उसको दर्द हो रहा या उसको बुखार है तो उसका अलग है, उसका अलग 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 दवाई होती है। मैं तो कई बकरियां मार दी बकरी ने, हाँ बहुत बहुत बार, बहुत बार ऐसा, बहुत कम ऐसा होता है। मेरे पास फ़ोटो भी है खींची हुई, बकरी मार रखी मेरी, मैं फ़ोटो भी ले रखा हूँ उसका साथ में। हाँ जी बहुत बार होता है, घटना तो ऐसी जो है कई बार होगी हमारे, तो ये समझ लो कि उम्र ही गुजर गया, यहाँ 49-50 साल की उम्र होगी। पहले डंगर पालते थे, डंगर चुगाते थे जंगल में, तब भी बकरे पकड़ते थे, छुड़ाते थे हम लोग, मैं बकरी कई बार छुड़ा देते हैं हम लोग, छुड़ा के घर ला जाते हैं। हाँ जी बाहर से कुत्ते छुड़ा देते, जंगल में हम ज़्यादा नहीं जाते क्योंकि बकरे का होता है डर, इसलिए ये खेतों में ही आसपास ही रखते हैं, जंगल में अंदर तो खतरा है। फिर सर रोड की तो दिक्कत है ही है साहब, अब ये समझ लो कि हमें जो है चांदने चांदने में घर लौटना पड़ेगा, अंधेरे में तो हम आ नहीं सकते फिर, क्योंकि रास्ते ही नहीं है। अब उसमें भी जो है फिर जंगली जानवरों का खतरा,